हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कंटिन्यू यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि कंटिन्यू यूटिलिटी होता क्या है और कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ हम इस यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं या इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी तरह का लूप यूज़ कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट के अंदर, किसी भी तरह का इटरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में आप ये कंटिन्यू यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे अगर आपने कोई एक लूप चलाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसा लूप चला रहे हो जो 5 इटरेशन परफॉर्म करने वाला है। अब उन 5 इटरेशन में से आपको ऐसा चाहिए लॉजिक कि फर्स्ट इटरेशन के लिए कोड एज इट इज चल जाए, सेकंड के लिए चल जाए, बट जैसे ही इटरेशन थर्ड हो तो वो उस चीज़ को स्किप कर दे, मतलब वो जो कोड, जो भी पीस ऑफ कोड आपने अपने लूप में लिखा है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, बट अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि इस जगह पे तो हम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रेक यूज़ नहीं होगा क्योंकि ब्रेक में क्या होता है, फिर आगे का 4th इटरेशन 5th इटरेशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो ब्रेक से सीधा स्किप कर जाएगा पोर्शन। तो उस केस में हम यूज़ क्या करेंगे, कंटिन्यू यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। कंटिन्यू यूटिलिटी क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उस पर्टिकुलर इटरेशन को ही स्किप कर देगा, सिर्फ उस इटरेशन को, उसके बाद का कोई भी पोर्शन स्किप नहीं होगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर इटरेशन जो भी है वो स्किप हो जाएगा और उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम प्रैक्टिकल सिनेरियो ही रन करके देखेंगे, एक लूप चला के देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। और लूपिंग के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि लूप में जब भी आप इसको रन करते हो तो आप किसी भी तरह के लूप में इसको रन कर सकते हो, डू लूप में, डू वाइल लूप में, डू अनटिल लूप में, फॉर लूप में, कोई भी लूप आप चला रहे हो वहाँ पे आप ये कंटिन्यू यूटिलिटी या कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके उसको स्किप करवा सकते हो, जो भी कंडीशन आपको स्किप करनी है, जो भी इटरेशन आपको स्किप करवाना है। ठीक है, तो अब इसको और सिंपल वे में समझने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्क एल एन के। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, यहाँ से अपन चलेंगे अपने डायरेक्टरी पे, जिस डायरेक्टरी में हम हमेशा स्क्रिप्ट को रेडी रखते हैं। मैंने अभी स्क्रिप्ट बनाई हुई है एक, तो उसी को वॉक थ्रू कराऊंगा। यहाँ पे लेंगे ऑप्शन 5 टेक्सचर मिट डायरेक्टरी पे, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है शर्मिट.sh, इसको लेंगे ऑप्शन 2। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा स्क्रिप्ट हमने लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले तो हमने मल्टी लाइन कमेंट रखा है। मल्टी लाइन कमेंट का पर्पस बस इतना है कि इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्रेजेंटर नेम है वो है टेक्सचर मिट, और दूसरा सेशन का नेम क्या है, कंटिन्यू इन शेल स्क्रिप्ट। अब आप चाहो तो कंटिन्यू यूटिलिटी बोल सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट बोल सकते हो या कंटिन्यू कमांड बोल सकते हो। ठीक है, अब इस एग्जांपल के लिए जो हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप की हेल्प से हम ये कंडीशन रन करेंगे, समझते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको लूप भी नहीं पता, अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहे हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लूप्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लो, जिससे आपको ये चीज़ें और इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट हम यूज़ करने वाले हैं कंटिन्यू, वो तभी यूज़ हो सकता है जब आप लूप चला रहे हो, अदरवाइज वो फिर आप वर्क नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका मैंडेटरी कंडीशन यही है कि आपको लूप पता होना चाहिए, और यहाँ पे हम जैसा देख रहे हो लूप ही यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, ये ऑलरेडी हम अलग सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीज़ कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहली आप जो भी स्क्रिप्ट बना रहे हो वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए, उसके लिए आपको CH मोड कमांड रन करके उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपको फॉर लूप या कोई भी एक लूप आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि लूप अगर आपको नहीं आएगा तो उस केस में आप इसको रन नहीं कर पाओगे। और लूप, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपको ये दोनों चीज़ का आइडिया है कि कैसे फॉर लूप बनता है या कैसे जो हमारा जो भी लूप आप यूज़ करो, डू वाइल, डू वनटिल, तो उसके बाद में फिर हम ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको दोनों चीज़ पता है। तो फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई, आई हमारा इंडेक्स वेरिएबल हो गया, इन 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, ये जो लूप है वो 5 टाइम इटरेट करेगा, i1 i2 i3 i4 और i5। हर इटरेशन के अंदर हम एक कंडीशन भी चेक कर रहे हैं डू के बाद में, इफ टेस्ट, टेस्ट किस लिए यूज होता है, टेस्ट होता है एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। तो अगर
टेस्ट करने पर आई की वैल्यू इक्वल मिली 2, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देंगे। और जैसे ही कंटिन्यू यूटिलिटी की लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो उस पूरा पोर्शन को स्किप कर जाएगा और सिंपल नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक जो हमने पहले देखा था उसमें क्या होता था, वो पूरे लूप को ही एग्जिट कर जाता था, बट यहाँ लूप एग्जिट नहीं होगा, सिर्फ वो इटरेशन एग्जिट होगी। तो जैसे अगर 2-1 वाले टू वाले केस में क्या होगा, सीधा 3 पे चला जाएगा, 2 का पोर्शन स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये पूरा पोर्शन क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। और सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए मैं एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो पहले हमारे वैल्यू की क्या है, हमारे पास आई की वैल्यू है 1, यहाँ पे आएगा चेक करेगा आई 2 के इक्वल है, मतलब 1 2 के इक्वल है, नहीं है तो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रिंट करेगा नंबर इज 1। दूसरे इटरेशन में जाएगा, अब आई की वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू यस ट्रू, तो इस केस में इस देन कंटिन्यू पे जाएगा और जैसे ही देन कंटिन्यू पे जाएगा तो ये नंबर वाली लाइन स्किप हो जाएगी और ये चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन 3 पे। फिर आएगा 3 इक्वल टू 2 नो, स्किप करेगा इस वाले पूरे पोर्शन को, मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इक्वल हो जाएगा नंबर इज 3। फिर इटरेट करेगा नेक्स्ट कंडीशन 4 इक्वल टू 2 नो, नंबर इज 4। नेक्स्ट इटरेशन 5 इक्वल टू 2 नो, तो आ जाएगा नंबर इज 5। तो इस तरह से आउटपुट में क्या क्या आएगा हमारे पास, नंबर इज 1, नंबर इज 3, नंबर इज 4 और नंबर इज 5। नंबर इज 2 नहीं आएगा क्योंकि वो इस इटरेशन हमने स्किप करा दिया कंटिन्यू स्टेटमेंट के हेल्प से। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे ये लूप चलेगा। तो आउटपुट देख लेते हैं, सेव किया F3 से, एग्जिट किया, यहाँ हम लिखेंगे QSH। लिखते ही आपके पास ये कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो /home/sharmit/tech-sharmit/sharmit.sh और एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आई, नंबर इज 1, नंबर इज 3, नंबर इज 4 और नंबर इज 5। इसमें नंबर और नंबर इज 2 इज मिसिंग है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 2 हमने स्टेटमेंट से कंटिन्यू कर दिया था, स्किप कर दिया था। तो आई थिंक अब आपको पूरा ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर हम एक से ज़्यादा कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करें, क्या एक से ज़्यादा कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो देखते हैं। इसी कोड में थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हम लेंगे ऑप्शन 2 और इसके बाद में हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस कंडीशन को कॉपी करेंगे, इससे पहले पेस्ट करेंगे और डू हटा देंगे क्योंकि डू एक बार ही होगा फोर के लिए, है ना। और यहाँ पे चेक करेंगे 2 और 4 के लिए, तो पहले कंडीशन में 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 स्किप होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 स्किप होगा और 5 प्रिंट होगा। वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे QSH /home/sharmit/tech-sharmit/sharmit.sh और एंटर। जैसे ही एंटर किया तो आ गया नंबर इज 1, नंबर इज 3, नंबर इज 5। तो जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था उसी तरह से इसने आउटपुट ला के दिया। इसका मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था वो करेक्ट था, स्किप किया तो सिर्फ 2 और 4 को। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप कितनी बार भी अपना जो स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हो कंटिन्यू स्टेटमेंट, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसी भी आपकी नीड हो उतनी बार आप उसको अपने प्रोग्राम के स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। और कोई अगर आपसे एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछता है तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज प्राइमरली यूज विद इन लूप्स टू स्किप द करंट इटरेशन एंड प्रोसीड विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो अभी फटाफट से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे हम CLC इसको कब रन करना हो तो कैसे रन करेंगे स्क्रिप्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं हर सेशन में इसको रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे DCL लिखना है, ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ, CGWare F4 वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट का पाथ, फिर आपको फिर से strqsh लिख के F4 लेना, यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नेम। तो जो भी इस वेरिएबल में स्क्रिप्ट का पाथ होगा वो एग्जीक्यूट ये आपको CL करके देगा। कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं, तो जैसे ही हमने कॉल किया तो आउटपुट आ गया नंबर इज 1, नंबर इज 3, नंबर इज 5। ठीक है,
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट के थ्रू कंटिन्यू स्टेटमेंट या कंटिन्यू यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।